फ्रेंड्स, कैटल स्मगलिंग केस में बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के लीडर के अगेंस्ट में वारंट इशू कर दिया गया है। ये खबर है, क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। सीबीआई हैड इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट टीएमसी लीडर विनय मिश्रा इन कनेक्शन विद द कैटल स्मगलिंग केस। ये खबर आ रही है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सीबीआई, अ डेजिग्नेटेड कोर्ट इन कोलकाता हैज इशूड अ नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट विनय मिश्रा। ये खबर है। विनय मिश्रा हैज बीन समन्ड फॉर 4 times बाई सीबीआई, बट टिल डेट ही हैज फेल्ड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन द कैटल स्मगलिंग अक्रॉस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ये खबर आ रही है। द सीबीआई हैड अर्लियर कैरिड आउट रेड्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग द प्रीमाइसेस ऑफ विनय मिश्रा, हु इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जीज नेफ्यू अभिषेक बैनर्जी। लुकआउट नोटिस हैज बीन इशूड against Vinay Mishra and all the airports, ports and borders have been alerted if he tries to leave the country. Sources ke mutabik, Vinay Mishra name cropped during the investigation cattle smuggling case involving BSF officials. The case was registered by the CBI on September 21, 2020. On September 23, the CBI carried out searches across several locations in Kolkata. According to one CBI FIR, the then commandant 36th Battalion BSF, three individuals, unknown public servants and private persons were booked on allegations of illegal trade of cattle along the West Bengal Bangladesh border. ये खबर है। TMC leader Vinay Mishra के against में lookout notice और warrant जारी कर दिया गया है सीबीआई द्वारा। ये एक बड़ी खबर आ रही है सीबीआई से। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।